दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे मात्र एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाया गया था। इसका कारण बड़ा ही रोचक है। जब भारत पर अलग अलग शासकों का कब्जा था, उस वक्त कई बार भारत की राजधानी को बदला गया। कभी कोलकाता, कभी दिल्ली तो कभी शिमला को भारत की राजधानी बनाया जा चुका है। मौजूदा समय में भारत की राजधानी दिल्ली है, यह तो आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इलाहाबाद को एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित की गई थी, जो मौजूदा समय में प्रयागराज के नाम से जानी जाती है। आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा कि आखिर एक दिन के लिए कैसे किसी शहर को राजधानी बनाई जा सकती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बेहद ही रोचक है। इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार रूप से बताएंगे। जब भारत पर मुगलों का शासन था, उस दौरान इलाहाबाद को एक प्रांतीय राजधानी घोषित की गई थी। यह 1599 से 1604 की बात है, जब मुगल शासक जहांगीर ने इलाहाबाद को अपना मुख्यालय बनाया था। पर जैसे जैसे मुगलों का पतन होना शुरू हुआ, धीरे धीरे भारत में अंग्रेजों का राज स्थापित हो गया। उस वक्त इलाहाबाद को एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाई गई थी। यह 1858 की बात है, जिस वक्त उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी होने के साथ साथ यह भारत की राजधानी भी हुआ करता था। आज जिस इलाहाबाद को हम प्रयागराज के रूप में जानते हैं, वह कई सालों से प्रशासनिक और शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ पर घूमने के कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर दूर देश से लोग भी आते हैं। यहाँ पर जो गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है, इस वजह से इसकी खासियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जहाँ हर दिन वहाँ पर आपको लोगों की भारी भीड़ नजर आएगी। हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है, जिसमें बेहद ही भव्य रूप से लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। प्रयागराज में संगम के अलावा आप खुसरो बाग, आनंद भवन, अकबर फोर्ट जैसे कई घूमने की जगह का आनंद ले सकते हैं, जहाँ पर आपको कई अनोखी चीज देखने को मिलेगी। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें achhaji.com।